कवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीआरएस यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का जो डेट शीट है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों के एग्जाम कब से स्टार्ट है, कब खत्म है, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन में किन किन बातों का ध्यान रखना, वो सारी बातें इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को सीआरएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि ये पीडीएफ है, एक बार जो डेट शीट है उसकी पीडीएफ है ये, और पीडीएफ में आप लोग देख रहे होंगे डेट शीट बीएड जनरल फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड पीजीडीआरपी सेमेस्टर सेकंड ईयर पीर के एग्जाम जो होने हैं वो अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम। जो एग्जाम का टाइमिंग रहेगा वो इवनिंग सेशन रहेगा, मॉर्निंग सेशन नहीं है आप लोगों के एग्जाम का। 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोगों के जो बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम है, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम बीएड सेकंड ईयर का है जो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो यार, ये नॉलेज जो जो पेपर हैं आप लोग देख लेना, जो जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई है जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा, जोन से जिस भी कोर्स का आप लोगों का एग्जाम होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जोन से ईयर में आप हो, जिस भी ईयर में आप हो वो आपका ईयर यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका यहाँ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर आईडी है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये आप पूरी पीडीएफ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के यूनिवर्सिटी कॉलेज ने भी आप लोगों को भेज दिया होगा। उसके एग्जाम की एंडिंग है वो 22 तारीख तक आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर और पीजीडीसीआर के सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई अगर आप लोगों का कोई भी एग्जाम मान ले एक ही डेट में अगर 2 एग्जाम क्लैश हो रहे हैं तो इस मेल पर आप लोग सेंड कर दीजिए पूरी डिटेल। उसके बाद एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे वो भाई सबसे बड़ी बात ऑफलाइन ही होंगे भाई, ऑनलाइन इनके बस की बात भी नहीं है, ठीक है। तो ऑफलाइन होंगे वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद तीसरा है एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एज पर नोटिफिकेशन अवेलेबल www.crsu.ac.in। तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कहाँ पे आप लोगों के एग्जाम होंगे और एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, वो सारा मैं आप लोगों को इस चैनल पर रेगुलर अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद आप लोगों को कोरोना का ध्यान रखना भाई, कोरोना का नहीं मतलब COVID-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनका ध्यान रखना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, ये सब आप लोगों को कैरी करना, इन सब चीज़ों का आप लोगों को पता भी है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे ये जो है वही एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर एंश्योर कर ले अपना क्वेश्चन पेपर आपका ठीक आया नहीं आया, ये सब भाई कॉमन बातें, इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान भी होना चाहिए। उसके बाद 6ठा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भाई एग्जाम में कोई फ़ोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब आपके साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं है प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जो भी आप लोगों के अथराइज होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर शीट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद 8वें नंबर पे जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, अगर कोई भी, ठीक है, अगर कैंडिडेट को एडवाइज किया जा रहा है अगर कोई भी अपडेट जानना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट, किसी भी एडवाइज के बारे में जानना है या फिर कोई नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन आज का ही है। हाँ, मेरी दी हुई जानकारी से आप लोगों को बिल्कुल हेल्प मिली होगी। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और जो बीएड का अभी कल रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है वो अभी दोबारा अपडेट होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जल्दी अपडेट हो जाएगा, वो भी इस वीक के अंदर अंदर हो जाएगा अपडेट, क्योंकि एग्जाम भी स्टार्ट है अगले महीने से। तो ये सब आप लोगों का नोटिफिकेशन था जो नया आया है सीआरएस यूनिवर्सिटी रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो चैनल पर नए आए हैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।